Hello, my dear students. This is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss again one important output-based question. In your exam, you will certainly find these types of output questions. It can be of your 2 or 3 marks. And since CBSE have introduced the 1 mark questions, so even in 1 mark questions also, you can find the output-based questions. And for output-based questions, there is only one technique, practice and practice. आप जितने practice करोगे, जितने questions को solve करोगे, उतने ही आपके concepts clear होंगे. So let's start this program now. This is the code fragment. सबसे पहले हमें एक list given है. और उस list में आपके elements क्या हैं बेटा? 6, 12, 18, 24 and 20. For I in L, that means one by one I will take the values of all these. जो भी मेरे list में values हैं, I variable will take all these values but one by one. That means I में पहले क्या आएगा? 6, then 12, then 18, then 24 and then 20. और for J in range, J का loop मेरा कहाँ तक चलेगा? From 1 से तो start होगा, fix है. और ending value fix नहीं है, that is depending upon the value of I. तो every time जब I की value लोगे, उसको divide करेंगे 5 से, जो भी remainder आएगा, उसके कम तक मेरा loop execute होगा. Because range function है, उसमें आपकी जो last वाली limit है, वो include नहीं होती, upper limit. After that you have to print the value of a J variable. उसके बाद कोमा दे रखा है, तो that means आपका साथ में क्या जाएगा? Hash symbol. और end equals to this. This means कि आपकी जो next value होगी, वो आएगी आपकी without space. So let's execute this now. तो we will start सबसे पहले जो आपके list है, that will take value 6. ठीक है, सबसे पहले for I in L, तो I में value क्या जाएगी बेटा? 6. अब जो मेरा J का loop है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा बेटा? Starting value तो fix है, और वो क्या fix है? 1, 2, end तक. अब I modulus 5, I की value क्या है बेटा? Let me write it here, I की value क्या है? 6, 6 modulus 5. तो जब मैं 6 को divide करूँगी 5 से, remainder क्या आएगा बेटा? 1, 5 1 सा 5, तो remainder क्या आया? 1. और 1 से एक कम, that is 0. तो क्या मेरा loop 1 से 0 तक execute हो सकता है? नहीं. ठीक है, मुझे तो forward step value क्या है मेरी? 1 by default. तो आपका जब I की value 6 होगी, उस case में मेरा ये loop execute नहीं होगा. Next time the variable I will take value 12. तो J equals to 1, 2, कहां तक चलेगा? I modulus 5. I की value क्या है? 12. 12 modulus 5. तो जब हम divide करेंगे 12 को 5 से, 5 2 सा 10. 12 minus 2, sorry, 12 minus 10, 2. तो remainder क्या आएगा बेटा मेरा? 2. और 2 remainder है, तो loop मेरा एक कम तक चलेगा. That means 1 तक, means J में मेरे सिर्फ एक ही value आएगी. और कौन सी value आएगी बेटा? 1. ये मेरा loop एक ही बार execute होगा. तो जब मेरी I की value 12 है, उस टाइम पर प्रिंट कराओ J. J की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 1. अब कोमा है, तो स्पेस देकर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? हैश. ठीक है, ये एंड आर्गुमेंट क्या करेगा? अगर मुझे कोई नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी होती, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाती. अब क्या है? प्रिंट फंक्शन. दैट मींस माय कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन. अब I में वैल्यू क्या आएगी बेटा? 18. अब करो इसको सॉल्व. 18 मॉडुलस 5 करो डिवाइड 5, 3 सा 15, तो 18 माइनस 15, 3. अब 3 है, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा? 2 तक. तो J में वैल्यूज क्या आएंगे बेटा? पहले 1 और फिर 2. ठीक है, तो अब मेरा जो लूप, अब जो आउटपुट है, वो क्या होएगा? पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? 1. फिर मेरा क्या प्रिंट होगा बेटा? हैश. स्पेस देकर ध्यान रखना. उसके बाद इसी के साथ मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? 2. उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा?
हैश लाइक दिस। जे के बाद कोमा है ना, तो जे मीन्स जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं उसके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस वन और टू के बाद। अब प्रिंट फंक्शन अगेन, तो माय कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ आई विल टेक वैल्यू 24। अब आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। अब करो इसको डिवाइड, 24 मॉडुलस 5, 5 4s आ 20, 24 माइनस 20 4, तो दैट मींस 4 से कम। इस टाइम मेरा लूप कहां से कहां तक चलेगा, j के लिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो अब मेरी वैल्यूज क्या प्रिंट हो जाएंगी, 1 हैश देन 2 देन हैश then 3 and then hash। इतना हो गया। अब next time जो variable i है उसमें value क्या आएगी बेटा, this 20। let's write 20 here। अब इसको divide करो 20 modulus 5, 5 4s are 20, 20 minus 20 0। अब 0 से कम minus 1, तो क्या मेरा ये for loop execute होगा, नहीं होगा। तो दैट मीन्स जब मेरी आई की वैल्यू 6 होगी या 20 होगी उस टाइम पर मेरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस इज माई फाइनल आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम इन पाइथन आइडियली ऑल्सो। लेट्स एग्जीक्यूट। दिस इज द सेम प्रोग्राम विच वी हैव डन नाउ। लेट मी एग्जीक्यूट दिस टू शो यू द आउटपुट। सी हियर, ठीक है। और स्पेसेस का ध्यान रखना बेटा, जो मेरा यहाँ पर जे है, जे के बाद क्या है, कोमा। तो जब भी कोमा आएगा तो नेक्स्ट वैल्यू स्पेस देकर प्रिंट होगी। तो इसीलिए जो जे की वैल्यू प्रिंट कराई है 1 और 2, उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर, स्पेस, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस प्रोग्राम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन। Share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.